अस्सलाम वालेकुम। आज की मजेदार सी रेसिपी बन रही है फ्रूट चाट, वो भी सिर्फ और सिर्फ दो फ्रूटों से। सबसे पहले मैं लूंगी 6 अदद केले और 6 ही चाहिए मुझे अमरूद। अमरूदों को हमने करना क्या है, अच्छी तरह वॉश करके हमने इनके सारे बीज निकाल लेने। अभी मैं आपको कट करके दिखाऊंगी। उसके बाद मैं लूंगी तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून शुगर के। अगर आप चीनी को पीस लेते हैं तो ज्यादा अच्छा हो जाएगा। 1/2 टीस्पून है ब्लैक पेपर पाउडर। 1/2 टीस्पून मैं लूंगी नमक का। बस ये सिर्फ हमें 2 से 3 चीजें चाहिए और हमारी मजेदार सी फ्रूट चाट हो जाएगी तैयार। आपने इस रेसिपी को जरूर ट्राई करना है। क्यों करना है? क्योंकि ये बिल्कुल यूनिक रेसिपी है और हमारे घर में बहुत बनती है, बहुत मजे की बनती है। मैंने सोचा चलो मैं आप लोगों को भी सिखा देती हूँ। इस तरह अमरूद को 2 टुकड़ों में मैंने कट किया। एक मैंने शार्प किस्म का चम्मच लिया और सारे उसके सीड जो है ना निकाल दिया। और ये देखे इस तरह से हमारे अमरूद बिल्कुल साफ सुथरे हो चुके हैं। ये चाट जो है ना आप बच्चों को भी खिला सकते हैं, क्योंकि बच्चों के मुंह में जो चीज अटकती है वो कोशिश करते हैं कि उस चीज को वो लोग ना खाएं। और यहाँ पर सारी चीजों को मैंने काट लिया। जो मैंने 6 अदद केले लिए हुए थे उनको भी मैंने कट कर लिया और अमरूदों को भी उनके सीड्स निकाल के अच्छी तरह छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया। ये है चीनी। चीनी आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा रख सकते हैं। यह है ब्लैक पेपर पाउडर और नमक। सिर्फ और सिर्फ हम 3 चीज़ों से बहुत ही मज़ेदार सी फ्रूट चाट बनाएंगे और सारी चीज़ों को बहुत अच्छी तरह हमने मिक्स कर लेना है। इतना हम मिक्स करेंगे कि उसका हल्का हल्का सा शीरा बनने लग जाएगा जो हमने इसके अंदर चीनी डाली थी। और ये देखें माशाल्लाह, ये हल्की हल्की सी लिक्विड ही हमारी फ्रूट चाट हो चुकी है तैयार। हमने इसके अंदर ऑरेंज का किसी किस्म का हमने जूस बिल्कुल भी नहीं डाला। जो दूसरी रेसिपी मैंने आपको सिखाई थी जिसमें 6 से 7 किस्म के फ्रूट जाते हैं, तो वो अलग बिल्कुल रेसिपी थी, जो कॉमन रेसिपी है, हर कोई बनाता है घर में। और ये बिल्कुल जो है ना इसके अंदर हमने कोई जूस वगैरह कुछ नहीं डाला। ये सिर्फ और सिर्फ चीनी को जो हमने अच्छी तरह मिक्स किया था तो उसकी जो लिक्विड था वो हमारे पास बन चुका है, मिल चुका है। बहुत ही मज़ेदार सी हमारी रेसिपी यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है और ये रेसिपी बहुत ही झटपट बनती है। इस रेसिपी को आपने ज़रूर ट्राई करना है, आप लोगों को बहुत अच्छी लगेगी।